वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है सैटरडे और अभी हम सब घर पे हैं। मेरे हस्बैंड भी घर पे हैं, मैं भी घर पे हूँ और मेरा चीकू भी घर पे ही है। मेरी बेटी पिछले हफ्ते में हम लोग बहुत बिजी थे एक्चुअली, इसलिए वीडियो बैक टू बैक नहीं बना पाए क्योंकि मेरी बेटी अपनी नानी के घर गई थी घूमने के लिए 3-4 दिन के लिए। तो घर पे कोई था तो नहीं, डिस्टर्बेंस के लिए कोई नहीं था, बट फिर भी मन नहीं होता था कोई वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए इतना 4-5 दिन का गैप हो गया था। तो ये 2 दिन पहले ही वापस आई घर से और वापस थोड़ा बिहेवियर इसका थोड़ा चेंज हो गया है। तो अभी बहुत बहुत चलना वो पसंद करती है, देख सकते हो आप लोग। अभी इसका 1 साल अभी तक नहीं हुआ है, ये अभी सिर्फ 11 महीने की है और ये चलती है, तो इसका प्रोग्रेस तो अच्छा हो रहा है। तो आई बिलीव कि 1.5 साल तक ये चलना और बोलना दोनों ही कर लेगी। मेरे टाइम पे मैं जब छोटी थी तब मैं 3 साल तक नहीं बोली थी क्योंकि शायद कुछ प्रॉब्लम था तो मैं नहीं बोल पाती थी। बट मैं 9 महीने में चल तो ली थी बट बोल नहीं पाती थी। बट मेरी बेटी होपफुली 1.5 साल में ये दोनों एक्टिविटी करने लगे। कहाँ जा रही इधर आजा, हाय बोल दे, हाय जा बोल दे, हाय बोल दे, हाय। अरे जुबान जीभ दिखा दे तो ए ए ए। तो ये हम जो बोलते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं इसके सामने, ये वो उसका जो मेंटलिटी है वो समझ थोड़ी थोड़ी समझने लगी है कि क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो प्रोग्रेसिव उसका अच्छा है तो वी आर हैप्पी ऑन डैट। तो आज सैटरडे है तो आज मेरे लिए बहुत लेजी डे है क्योंकि मैं मंडे टू फ्राइडे नाइट शिफ्ट करती हूँ और मैंने आज थोड़ा ज्यादा सो लिया तो मेरा पति का जल गया दिमाग तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ मैं इतना ज्यादा सो रही हूँ क्योंकि वो भी घर पे था। काश वो भी नाइट शिफ्ट करता तब मालूम पड़ता। एनीवे तो मैंने आज चिल्लावत तो मैंने आज खाना कुछ भी नहीं बनाया था। मैंने आज ऑर्डर किया था पिज्जा, 3 पिज्जा ऑर्डर किया था मैंने, तो 3 पिज्जा और एक बर्गर जिंगी। ये केएफसी का नहीं है, ये है आपका डोमिनोज का, तो वो मैंने खाया है। तो आज हमारा डिनर वही था पिज्जा। मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन सा पिज्जा मैंने मंगाया था और उसका कॉस्ट प्राइस और सबसे टेस्टी कौन सा। तो चलिए मैं आपको पिज्जा वाले सेक्शन पे लेके जाती हूँ जहाँ पे हमारे लिए पिज्जा वेट कर रहा है। तो हमने डोमिनोज से मंगाया है ये, इसका नाम क्या था, कुछ जिंगी पार्सल जिसको बोलते हैं, क्विक स्पाइसी बाइट ये मंगाया है। ये हमने बारबेक्यू पिज्जा मानिया जो है वो मंगाया है। ये आपका पनीर और ऑनियन का जो पिज्जा मानिया है ये मंगाया है। एंड ये वाला शायद आपका चिकन सॉसेज या नहीं, चिकन सॉसेज वाला ये था, चिकन सॉसेज पिज्जा मानिया ये था। और ये है आपका, ये सबसे कॉस्टली है पिज्जा, ये है आपका बारबेक्यू चिकन का पिज्जा। तो ये तीनों की तीनों आप देख रहे हो, ये सारा पिज्जा मानिया का है। और एक हमने साइड डिश के लिए ये चिकन निंगर बनाया है। तो लेट्स ईट।
पिज़्ज़ा खाना कंप्लीट हो चुका है। तीन पिज़्ज़ा था, तीन पिज़्ज़ा दो मैंने खाई, मतलब देर में खाए और देर मेरे हस्बैंड ने खाए, और जो उसका मायोनीज था थोड़ा बहुत पहली बार मेरी बेटी ने एक टेस्ट किया है। वैसे टेस्ट तो करवाना नहीं चाहिए था, बट वो बहुत जिद कर रही थी तो हमने थोड़ा सा चखाया है। तो अभी नया जो मैं उसको अपने बेटी को दे रही हूँ, मैंने एक नया चीज़ ट्राई किया है, वो है डलिया। मैं पर्सनली डलिया मैंने कभी नहीं खाया है, बट मेरे दोस्त लोग खाते थे तो मैंने मेरी मम्मी ने बोला कि शायद डलिया बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली राइस से अच्छा डलिया होता है, क्योंकि ये पूरा डलिया जो है पूरी वीट से, हम तो उसको रोटी खिला नहीं सकते, तो उसके मतलब बदले भी कुछ देना पड़ता है। तो आई थिंक तेरा चार्जर तोड़ रहा है, संभालो अपने बेटे को थोड़ा। तो एनीवे, ये रहा मेरी बेटी जो बैठे बैठे फोन का चार्जर से खेल रही। चीकू पीछे मुड़, ए चीकू, चीकू चीकू चीकू, फोटो 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 फोटो, हाय बोल, हाय आती बोल दे, हाय हाय बोल दे, हाय बोल दे, हाय खेल रही है। और अभी उसका सोने के टाइम हो गया, तो हमारा डिनर तो हो गया है, हमने पेट भर के पिज्जा खा लिया है। और अपनी बेटी को मैंने, जो आपको मैं आपकी बोल रही थी कि मैं नया चीज ट्राई कर रही हूँ डलिया, तो मैंने इसको पेट भर के डलिया खिला दिया है। डलिया दोनों टाइप का होता है, एक और एक मैं डलिया बनाती हूँ जिसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैं उसको प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ और उसको मैं वैसे ही खिला देती हूँ। और दूसरा होता है डलिया सिर्फ प्रेशर कुकर में 3-4 सीटी मार के उसके बाद दूध के साथ डलिया खिलाना। तो मैं दोनों ट्राई किया हूँ, ये मेरा कैमरा तोड़ देगी। तो मैंने दोनों ट्राई किया है, दोनों मेरी बेटी बहुत इंजॉय कर रही है, क्योंकि ये कोई नया चीज़ है। बच्चों को नया नया चीज़ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका नया नया दांत आने वाला है और नया चीज़ एक्सप्लोर वो करना चाहते हैं। क्योंकि एक आप खुद ही सोचो, अगर आप डेली चिकन खाओगे मटन खाओगे तो कैसा लगेगा, राइट, बोर हो जाओगे। तो बच्चों को भी नया नया चीज़, तो वो अभी डलिया बहुत इंजॉय कर रही है। तो मैं दो दिन से उसको दो टाइम डलिया दे रही हूँ, फिर बीच में तो केला मिलता ही है उसको, एक केला फिर एप्पल जो भी रहता है फ्रूट्स मैं उसको देती हूँ। तो अभी मेरी बेटी का सोने का टाइम है, तो मुझे अभी वीडियो बंद करना पड़ेगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो पे, कल है संडे, और मैं कोशिश करती हूँ कि डेली से डेली वीडियो बनाऊँ, पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। बट एनी वे, टेक केयर, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और से और ज़्यादा वीडियो डाल सकूँ। तब देखिए, बाय।